तोल नहीं होगी किसी की तोल, गाली दे करके कहे कि अगर हमारा नहीं तोल होता किसी का नहीं तोल। आप अभी इनको सही कर दिए होते 20 लड़के लेकर, हम सही कर दिए ऐसी कोई बात नहीं, एक कर्मचारी से ऐसी अपेक्षा कदापि नहीं, मैंने एक बार गाली भी नहीं दिया मैंने इनको, ऐसा कुछ भी नहीं। नमस्कार, स्वतंत्र प्रभात के राष्ट्रीय दैनिक अखबार और ऑनलाइन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश दुनिया की बड़ी और कड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धानखरी सेंटर आशा जीतपुर कला को चला रहे हैं दलाल, क्षेत्र के किसानों में भयंकर रोष। किसान पूरे साल दिन रात इस उम्मीद में मेहनत करता है कि जब उसकी फसल की पैदावार होगी तो वो उससे अपने और अपने परिवार की बेहतरी के लिए कुछ कर सके। उस फसल के साथ साथ उसके परिवार और उसके बच्चों की शिक्षा, उसके सपने, सभी कुछ जुड़े होते हैं। हम बात कर रहे हैं आशा जीतपुर कला सोसाइटी कटारी नगर तहसील भीटी जिला अंबेडकर नगर की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसानों की संतुष्टि के लिए देश का प्रधानमंत्री किसान बिल वापस ले लेता है, लेकिन आशा जीतपुर सोसाइटी के सचिव दुर्गा पांडे किसानों को ऑन कैमरा पागल और पुलिस से पकड़वाने की धमकी देते हैं। यही नहीं, जब मजबूर किसान अपने धान के विक्रय के लिए महोदय के सेंटर पर जाकर परेशान होता है तो उनसे अपना अनाज ना लेने का कारण पूछता है तो सचिव दुर्गा पांडे उसे जेल भिजवाने के लिए पुलिस को बुलवा लेते हैं। किसान बेचारा फिर बेबस होकर डर के मारे अपने घर वापस चला जाता है। आखिर योगी सरकार और जिले के अधिकारियों की क्या मजबूरी है कि इन बेबस किसानों को सुनने और देखने वाला कोई नहीं है। सवाल यह है कि कब तक किसानों को तकलीफ सहनी होगी, कब तक योगी सरकार में ऐसे बेलगाम अधिकारी किसानों पर अत्याचार करते रहेंगे, कब तक किसानों को अपने हक के लिए मुकदमा और पुलिस का डर दिखाया जाएगा। सवाल कई और जवाब एक भी नहीं। दुर्गा पांडे जैसे लोगों पर योगी सरकार और मौजूदा अधिकारी क्या कार्रवाई करेंगे, क्षेत्र के किसान इसकी प्रतीक्षा बेसब्री से कर रहे हैं। स्वतंत्र प्रभात के वरिष्ठ पत्रकार विपिन शुक्ला की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, स्वतंत्र प्रभात में आपका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले के एक सोसाइटी पे पहुंचे हैं। सरकार से लेकर प्रशासन तक खूब वादे करते हैं, हम आपको जमीनी हकीकत दिखाते हैं आखिर किसानों के लिए क्या हो रहा है। चुनाव आते हैं, किसानों के हित की बातें होती हैं, लेकिन जमीन पे चीजें कुछ बदली सी होती हैं। हमारे साथ यहाँ सारे किसान खड़े हैं, तो एक बार हम चाहेंगे कैमरामैन सारे लोगों को कैमरे में कैद करें। ये हमारे साथ बाबूजी, आपका क्या नाम है? राम उजागिर पांडे जी हैं। आप गांव का नाम? बेनीपुर पांडे का पूरा। यहाँ पे क्या तौल में कोई दिक्कत हो रही है आपको? हमको तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आपने अपनी तोल करा ली है? हाँ, करा ली है। पैसा भी आ गया आपके खाते? हाँ, सब हो गया हमारा। यहाँ पे जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पे बिचौलियों की तोल हो रही है, उसके आपको क्या कहना है? नहीं, ऐसा तो हमारे समझ में नहीं है। अच्छा, ठीक, हमारे समझ में नहीं है। बाकी भाई, अब किसी की समस्या हो तो अलग की बात रही, आपकी नहीं समस्या। हमारी समस्या नहीं है और न हमने देखा है। ठीक है, एक और किसान ही हमारे साथ, नौजवान किसान। आपका नाम? राहुल तिवारी जी। गांव का नाम? बीबीपुर अंडौली। ये सेंटर कौन सा पड़ता है? ये आशा जीतपुर कला जी। क्या समस्या है आपको? ये समस्या ये है कि किसान जब धान लेके यहाँ आता है तो बताया जाता है बोरी नहीं, टोकन नहीं, किसानों का धान नहीं खरीदा जाता, उसको दौड़ाया जाता है। किसान ट्रैक्टर टाली लेके उतनी दूर से यहाँ तक आता है, उसके बाद लौटा दिया जाता है, चार बार दौड़ाया जाता है, फिर भी फिक्स डेट नहीं बताई जाती धान कब खरीदा जाएगा, जबकि तहसील से सब कुछ वेरीफाई हो गया। मेरा 97 क्विंटल का वेरीफाई है तहसील से, लेकिन यहाँ सोसाइटी पे लाते हैं धान नहीं खरीदा जाता। मेरा 25 क्विंटल धान है, जबकि सरकार ने कह दिया है कि 25 क्विंटल तक आप बिना टोकन के धान क्रय करिए, लेकिन यहाँ सोसाइटी पे 5 दिन से मैं लगातार आ रहा हूँ, खरीद नहीं हो रही है। उसके बाद किसानों का जो धान खरीदा भी जा रहा है उसमें इतना तेज पंखा करके चला दिया जाता है कि सारा धान उड़ जाता है। उसके बाद सोसाइटी वाले फिर किसानों का धान, आप सामने देखिए, उसको फिर से उसवा के धान निकाला जा रहा है, उसको ब्लैक में बेच दिया जाता है। किसानों का धान उड़वा दिया जाता है पंखा तेज करके, उसके बाद फिर उसी धान को किसान चला जाता है, फिर से उसवा के फिर से धान निकाल के उसको सोसाइटी वाले बेचते हैं और किसानों का धान नहीं लेते हैं, किसानों के साथ अन्याय किया जाता है। कितने दिन हुए आपको यहाँ पे? 5 दिन से मैं आ रहा हूँ। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। आपका नाम? सर्वेश दुबे। सर्वेश दुबे, क्या समस्या है आपको? समस्या ये है सर, हम 10 दिन पहले आए थे जी, इन्होंने कहा हमारे पास बोरी नहीं है। हम कहें चलिए ठीक है सर, आप कहें अभी फिक्स डेट नहीं है, आप जो है हमसे जो है बाद में मिल लीजिएगा। हम कहें हमें बुआई में देर हो रही है,
तो हमें इतना टाइम तो है नहीं, आप हमारा कब तौलेंगे, कहीं इसका कोई फिक्स नहीं है। और हम जब धान की बात किए तो कहे कि अभी ऐसा नहीं हो पाएगा, अभी जो है हमारे पास जो है समय नहीं। ये हमारे साथ एक और बाबू जी है, आपको क्या समस्या आ रही सेंटर में तौल पे? सर मैं रामनगर प्रजापति जी ग्राम भरवास पहुंचे हुए जी जी आशा जी सोसाइटी का सदस्य भी हूँ जी जी ग्राम सभा। मैं यहाँ धान तोल आया 66 बोरी मोटा जी और 15 बोरी महीन जी मंसूरी लाल जी। वो धान मेरा ये पर्ची मुझको मिली जी, ये पर्ची मुझको मिली है जी। इसमें मुझको कम कुछ एहसास हुआ, इसलिए मैं सोसाइटी पर आया हूँ सचिव से बात करने के लिए कि इसमें मेरा धान कम आ रहा है जी। 15 कट्टे मंसूरी नहीं चढ़ा इसीलिए हम आया हूँ यहाँ। और कुछ और कोई बात नहीं, मेरे प्यारे कोई परेशान और किसान है जी। आपका नाम? सुशील तिवारी। कहाँ के रहने वाले? बेनीपुर। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है सर, हम पिछले अभी कुछ दिन पहले जब आए थे, लगभग हमारा 54 कुंतल का सट्टा बना है। हमने भैया से बात किया तो इन्होंने कहा कि जो है हम लेखपाल भेजेंगे, फिर जांच होने के बाद कुछ काम होगा, लेकिन ये डेट ना दिए ना टोकन दिए, कुछ बताए नहीं। हम ऐसे घूम रहे हैं, 2-3 दिन हो गए आए, बीच बीच में आते हैं, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। समस्या की बात ये बात की है, कम से कम और लोगों को तौल हो रही है, उनकी किस बेस पे हो रही है? बताते हैं कि टोकन उनको दिया जा रहा है, लेकिन हमको टोकन क्यों नहीं दिया जा रहा है? हमारे पास भी समस्याएं हैं, हम भी घूम रहे हैं, किसान इतना ज्यादा फ्री नहीं है जी। वो किसी तरीके से खेती किसानी करके इतना अगर काम कर रहा है तो कम से कम लोगों के साथ न्याय होना चाहिए जी। कम से कम वो अगर लेके आ रहा है तो उसके साथ कम से कम उसकी समस्या का समाधान हो जी। वो आएगा तभी तो जो है अपना जो है खेती बाड़ी का काम करवाएगा। जब ये समस्याएं बीच में उलझा के रखेंगे, 4-10 दिन दौड़ाएंगे, कौन आदमी कौन काम करेगा? जाके वो लोगों के यहाँ उस पे बेच देता है, दुकानों पे जाके बेचता है, और सरकार कहती है नहीं जो है वहाँ पे जाइए आपका काम होगा, कोई सुनने वाला नहीं। कुछ कहना चाहते हैं जी? जब हम लोग यहाँ से चले गए, जैसे हम लोग मतलब जो बेचने आए थे, उसके बाद ये लोग पुलिस बुलवाए। अच्छा। कहे कि जो है सोसाइटी जो है ये लोग बंद कर दिए हैं, तब जब तक पुलिस नहीं आएगी तब तक ये खुलेगा नहीं। एक भाई साहब बैठे थे, उन्होंने सोसाइटी का जो जो वो गेट है उसको भी बंद किए, खिड़की को बंद किए, बोले अब तौल नहीं करेंगे। नाम था उनका? बसंत तिवारी नाम था। बसंत तिवारी कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले, तिवारीपुर के रहने वाले। इसमें किसी पद पे है? कुछ नहीं है भैया, वो कुछ भी नहीं है, वो बिचौलिए का समझिए इस तरीके से हो रहा है। वो बैठे हुए थे, उनका कोई मतलब नहीं था बोलने का, वो वहाँ से आए, उसके बाद बीच में इनसे आपस में बातचीत शुरू कर दिए। हमें कहे तो हमें भी जवाब देना पड़ेगा ना। आपको अगर कुछ कहेगा गंदी बात आपको, तो आपको भी देना पड़ेगा ना। कुछ किसान और हैं, ये बाबूजी खड़े हमारे पास। बाबूजी आपका क्या नाम है? जमराव सर। कहाँ के रहने वाले? सबना जी। सबना की क्या समस्या आ रही है यहाँ पे तौल में? कौन समस्या? नहीं कोई समस्या नहीं, आराम से तौल हो रही ना। ठीक है। ये एक और बाबू जी है, बाबू जी क्या नाम आपका? अरे नाम अपना बताइए। छंगू। छंगू नाम है। क्या आपका यहाँ पे धान तोला गया? ना। आपके पास धान? आप ऐसे आ गए देख ले। नहीं है। अच्छा, खाद के लिए। ठीक है। हमारे साथ है कई किसान हैं, सबकी अपनी अलग अलग राय है, और मौके पे हमारे साथ सचिव दुर्गा पांडे जी हैं। दुर्गा पांडे जी, हम इनसे पूछते हैं कि क्या कारण है जो किसान आरोप लगा रहे हैं, कोई 5 दिन से टहल रहा है, कोई 10 दिन से टहल रहा है। सचिव जी, क्या कारण है कि इतने किसान परेशान क्यों हैं? इनकी तौल क्यों नहीं हो पा रही? आपकी तरफ से क्या समस्या आ रही है? सिर्फ एक किसान है, वो है सर्वेश तिवारी जी। ठीक है जी। सर्वेश तिवारी का जब मैंने इनके बारे में पता किया तो ये बता रहे हैं कि उनके घर वाले बताए कि ये पागल टाइप के हैं, कुछ भी बोलते हैं, गाली गलौज आके हमको अंदर बंद कर दिए। तब मैंने पुलिस FIR किया, सीओ साहब को मैंने बताया, और एसपी साहब, सुनिए एसडीएम साहब को मैंने लिखित भेजा, तो वो वहां से फोर्स भेजे, फोर्स में तब ये लोग भाग गए हमको अंदर बंद करके। समझ रहे हैं, ये लोग स्वयं ये है कि अपना बनिया को सेट करते हैं और हमको हमको जो है बदनाम कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आज हमारे यहाँ तौल नहीं हो पा रही चूंकि बोरे की वजह से, तो ये जो लेबर आए हैं वो भूसा अपना जो है अपना जो 10-20-50 किलो उसी में से निकाल पाए। जिसका तौला गया है उसका कितना नुकसान हुआ? इधर आइए, आपका तौला हुआ है धान, कितना बहुत ज्यादा उड़ा दिया गया? नहीं, जो उड़ाया
मैं घर ले गया, मैं घर ले गया, मैं घर ले घर धरा हूँ। और जिसका तोला गया है कौन? दशम तिवारी है, ये इनको कह रहे हैं कि ये बनिया है, इन्हीं का तोला जा रहा है, इन्हीं से गाली गलौज हुई है, ये आप बनिया है, आपका कितना धान तोला है? क्या मामला था यहाँ पे गाली गलौज? मामला जो था कि उस दिन हम लोग अपना धान तोलवा रहे थे और धान तोलवाने के बाद बीच में आए और धान तोल को रुकवा दिए, अंदर बंद कर दिए हमको, और ठीक है सीधे सीधे ये बताने लगे कि नहीं जो है जो धान, हाँ हाँ एक धान जो है तोल नहीं होगी किसी की तोल, गाली दे करके कहे कि अगर हमारा नहीं तोल होता किसी का नहीं तोल। आप रिकॉर्ड मांग लीजिए, वीडियो रिकॉर्डिंग, उसकी रिकॉर्डिंग दिखा दीजिए, जैसे हम ये कहना चाहते हैं कि इसकी रिकॉर्डिंग बनाए होंगे, अगर गाली गलौज उन्होंने किया है तो उसकी रिकॉर्डिंग सुना दें। दूसरी चीज, भैया जी ने कहा, सचिव जी ने कहा कि उनका दिमाग खराब है, उनके घर वालों ने कहा, ये दिमाग खराब है उनका नहीं, ये गलतियां जो ही हैं इनका दिमाग खराब है, या हो सकता है सबका दिमाग खराब हो, आप समझदार जाता हूँ, कहने का मतलब ये है कि समझदारी इनकी इतनी अच्छी है, सोचिए कि उनका धान उड़ा के इस तरीके से किया जाता, बुद्धिमान तो यही है जो आवाज उठाए वो पागल है। सचिव जी, जैसे हम देख पा रहे हैं 5-6 किसान हैं, इनका क्या कारण है? आप इनका धान तोलवा दीजिए। नहीं, हाँ बिल्कुल तोलवा देंगे, सबको टाइम दिए हैं भैया, जो सर्विस दुबे जी हैं इनको मैंने मंडे या ट्यूजडे, मतलब आज का दिन ही मैंने दिया था, और मेरे पास बोरा होता तो आप विश्वास करिए इनके पास पहुँच जाता, ठीक है, उसके बाद इनके पास, इनके बड़े भाई से हमारी बात भी हुई, स्पीकर पे लगा के उसके बाद इनसे कहा कि अभी इनको सही कर दिए होते 20 लड़के लेकर, हम सही कर दिए, ऐसी कोई बात नहीं, एक कर्मचारी से ऐसी अपेक्षा कदापि नहीं, मैंने एक गाली भी नहीं दिया मैंने इनको, ऐसा कुछ की रिकॉर्डिंग है जो धमकी दी गई थी? हाँ उसकी रिकॉर्डिंग नहीं, हम सारे की रिकॉर्डिंग मिलेगी, धमकी धमकी वाली, क्योंकि यहाँ बंदा था नहीं कोई, हम लोग जब चले गए तब उसके बाद, जब यहाँ जब हम लोग चले गए तब ये सर हुआ ये सब बात। चलिए सचिव जी, आप इनकी समस्या कैसे निदान करेंगे? थोड़ा इसके बारे में तौल की है, धान जैसे ही बोरा आ जाता है तुरंत इनके जो है फोन करके बुलवाएंगे, इनका धान तौला जाएगा। हाल है कि जो है जो हमारा धान इनको मंडे या जैसा कि आप देख ही रहे हैं आज जीरो खरीद हमारी जा रही है, बोरे की वजह से बोरा नहीं है, अगर आज हम तौलते और इनका ना तौलते तो मेरी गलती थी। ये बताइए हमें पागल क्यों कहे? नहीं, पागल आपको दिख रहे हैं? नहीं, ये पागल हमको भी नहीं दिख रहे हैं, इनके बड़े भाई दुर्गा कह दिए दुर्गेश दुबे हैं। जैसे सचिव साहब आपने एक बात बहुत हाँ, इनके घर वाले बताए कि इनका इलाज हुआ है? हमारा इलाज कराने आए? नहीं, मेरे पास जो आप बताएंगे इनके भाई कराने आए देंगे, जो आ जाता है उसका इलाज करवाते हैं। हम आपको बता दें कि यहाँ समस्याएं कई हैं, सचिव अपने स्तर से समस्या के लिए लगे हुए हैं, लेकिन किसान भी कहीं न कहीं पीड़ित है, और कोई ये एक ही सेंटर नहीं है, काफी सारे सेंटरों पे ये समस्या आ रही है, और जान लीजिए हमें पागल, हम आपके साथ बने रहेंगे जमीनी रिपोर्ट दिखाने के लिए। कैमरामैन रवीन के साथ जितिन शुक्ला, स्वतंत्र प्रभात।